कुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती? उर्वशी के हट को भी तुम जानती, देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती है। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? छाया सत्य कह रही है, कहीं हनुमान किसी संकट में पड़ गए तो। आज दूसरा दिन व्यतीत हो रहा, हनुमान मेरे लिए ही यहाँ आया है। यदि उसे कुछ हो गया तो सारा दोष मेरा ही होगा। कोई अनर्थ हो उससे पहले ही मुझे उसे वापस भेजना होगा। शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। अति उत्तम। उर्वशी, आज तो तुम्हारा नृत्य अद्भुत था। तुम्हारी थिरकन, तुम्हारी मोहक भंगिमाएं, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो उठा। तो फिर मेरा पुरस्कार? तुम्हें जो सबसे प्रिय हो तो मांग लो उर्वशी। देवराज, मुझे तो मेरे प्रियतम का ही साथ सबसे प्रिय है। मैं आपके साथ नंदनवन में कुछ और समय व्यतीत करना चाहती हूँ, यही होगा मेरा पुरस्कार। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय, आओ। नहीं, किसने किया ये दुस्साहस? क्या हुआ देवराज? आप एकाएक इतने क्रोधित क्यों हो गए? किसी ने मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है पर मेरे वज्र का प्रहार होगा, वध कर दूंगा मैं उसका। इंद्रासन पर बैठने का दंड तो उसे भोगना ही होगा। इंद्रासन पर यदि हनुमान बैठा हो तो आनंद आ जाए। बहुत
बचे हनुमान। मुझे शीघ्र देवराज को देखना है कि वो कहाँ है। चांदुया हनुमान 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 पिताश्री। इंद्रासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये स्वर्ग के अधिपति का सिंहासन है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं। इस दुस्साहस का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। बहुत चतुर समझता था स्वयं को ये वानर। इस बार तो वो वानर बालक बच गया, परंतु अगली बार मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ना उसे और ना ही उससे जुड़े हुए उस नर रूपी नारायण को, जो ना जाने इस दौर में कहां जन्म लेकर पल रहा है। गजानन 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 शोन। यदि तुम में से कोई ये सोचता है कि उस वानर बालक ने रावण को परास्त कर दिया है या रावण की शक्तिहीन हो गई है, तो ये उस बुद्धिहीन की भूल है। ये तो आरंभ है, युद्ध का आरंभ, और ये युद्ध अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचेगा। परंतु इस समय मुझे आवश्यकता है तो केवल उस कपटी नर रूपी नारायण के सूचना की। इसलिए मैंने तुम सबको यहां बुलाया है। तुम और तुम सब जो यहां उपस्थित हुए हो, तब ध्यान से सुन लो। यदि शीघ्र ही मुझे उस कपटी नर रूपी नारायण की सूचना नहीं मिली, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। दशानन प्रणाम। शोशोश्री, मैं जानता हूं उस नर रूपी नारायण को कैसे ढूंढा जाए। दशानन, मैं उन योद्धाओं को आपके सामने लाऊंगा जो उस नारायण के नर अवतार को ढूंढ सकते हैं। रमम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। ससुर श्री, प्रसन्न कर दिया अपने दशानन रावण को। हम शीघ्र ही उन योद्धाओं से मिलना चाहेंगे। अब तनिक
सा भी विलंब इस कार्य में नहीं होना चाहिए। क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने, जो अक्षम्य है। वज्रांग होने का वरदान मैंने दिया है तुम्हें, इसीलिए तुम पर वज्र प्रहार करके अपने वरदान का अपमान नहीं करूंगा मैं, किंतु तुम्हें तो वज्र प्रहार से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। वज्र प्रहार से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। दिव्य शक्ति से संपन्न हो, इसीलिए इंद्रासन पर बैठ सके, अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इंद्रासन पर बैठ जाए। देवराज, सत्य तो यही है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि आपके सिंहासन पर बैठना एक अपराध है। अपराध नहीं, महा अपराध है ये, और इस तथ्य से सब परिचित हैं, फिर चाहे वो मेरा पुत्र जयंत ही क्यों ना हो या अन्य कोई बालक। यदि हनुमान ने बता दिया कि मैंने ही उसे सिंहासन पर बैठने को कहा था तो मुझे भी कड़ा दंड मिल सकता है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से। जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ, मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। अच्छा हुआ इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। तो इसे फंसाने चला था, किंतु ये तो मुझे बचा रहा है। उस दिन तो मातंग ऋषि ने कुछ नहीं कहा, किंतु वो मेरी सच्चाई तो जान ही चुके हैं। मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा, यदि उन्होंने कुछ बोल दिया तो अनर्थ ना हो जाए। अंजना, तुम मार्जरिका क्यों बन गई? पता नहीं ये कैसे हो गया। क्या हो रहा है?
प्रतीत हो रहा है पतंग ऋषि के इस आश्रम की पवित्रता के कारण तुम्हारी असुरी शक्तियां विफल हो रही हैं। आओ पुत्री। चलो अंजना। प्रणाम ऋषिवर। आपका नमन ऋषिवर। आपने मेरा भेद न खोलकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। विराजिए केसरी जी। ऋषिवर, हनुमान की चिंता सता रही है। आपने कहा था वो शीघ्र लौट आएगा, किंतु वो अभी तक नहीं आए। आप तो ध्यान योग के द्वारा सब ज्ञात कर सकते हैं, हो सके तो मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। अभी ज्ञात करता हूं। इसने तो आपके वाहन ऐरावत पर भी बिना आपकी अनुमति बैठने का अपराध किया है। तो तुम ये कह रहे हो ऐरावत कि तुमने स्वयं ही हनुमान को अपनी पीठ पर बिठाया? ऐरावत, इस भूल का दंड तो तुम्हें भी मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं केसरी जी, हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता पिता घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे हुए हैं। अतः उन्हें आने में कुछ और समय लगेगा। किंतु कैसा संकट और किसका संकट? कोई तो संकट है किसी पर, और भी उन्होंने कितनों के संकट हरे इस यात्रा में। महाराज, उनके आते ही आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तब तक आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए।
प्रणाम ऋषिवर। हनुमान के आते ही मैं स्वयं ही अपनी सच्चाई बता दूंगी। किंतु सबसे पहले मैं हनुमान का निर्णय तो कर दूं, जो इस भूल का मूल है। मुक्त कराने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा, किंतु आपको जो दंड देना है वो आप दे दीजिए, मुझे वो दंड स्वीकार है। स्वामी, माता के प्रेम ने हनुमान को विवश कर दिया था, अन्यथा हनुमान ऐसी घृष्टता। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था? हाँ, ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने, और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए इसका निर्णय महासभा में ही होगा।